नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर के माध्यम से आज बात करने जा रही हूँ एक्ने के बारे में। चेहरे पर पिंपल्स या एक्ने होना बेहद आम बात है और ये अक्सर तब होते हैं जब हमारी त्वचा के पोर्स में किसी तरीके की गंदगी या ऑयल जमा हो जाता है। और आमतौर पर ऑयली स्किन वाले लोग मुहासों की समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं, मगर ये किसी को भी हो सकते हैं। तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एलर्जी, तनाव, जंक फूड, सैचुरेटेड फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट और पशु उत्पादों के प्रयोग के अलावा कुपोषण और प्रदूषण से भी मुहासों की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। स्टेरॉयड्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और मिर्गी की दवाओं से भी रिएक्शन हो सकता है। तो भोजन में ऐसी चीज़ें ले जिसमें फैट और मसाले काफ़ी कम मात्रा में हो, और अधिक चिकनाई, तेज़ मीठा या मसालेदार भोजन आप अवॉइड करें। रेशेदार पदार्थ का भी आप काफ़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका पेट साफ रहता है और शरीर के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। आप अपने भोजन में कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिसमें जिंक काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि जो जिंक है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। जैसे शेलफिश, सोयाबीन, साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज और सूखे मेवे, और आप दही भी ले सकते हैं फेंट कर, और तथा शराब, मक्खन, कॉफ़ी, इन जैसी चीज़ों का सेवन कम से कम करें और जितना संभव हो सके त्वचा को तैले होने से बचाएं। और आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने के लिए वो काफ़ी माइल्ड साबुन इस्तेमाल करें, और तनाव से दूर रहे, क्योंकि तनाव से हार्मोन्स परिवर्तित होता है और इससे मुहासे बढ़ सकते हैं। और मुहासे होने पर रोज़ कम से कम 15 मिनट आप व्यायाम करें और नींद अपनी पूरी लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और मुहासों के दानों पर बार बार हाथ ना लगाएं, कोशिश करें कि आप इन्हें ना छुएं और इन्हें नोचें नहीं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा दाग पड़ जाएंगे और जो आपकी अभी प्रभावित त्वचा नहीं है वहाँ पर भी आपको दाने होना शुरू हो सकते हैं। और अपने तकिए के गिलाफ को और अपने तौलिए को हफ्ते में कम से कम 2 बार अच्छे से गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। तो आप कुछ ये एहतियात बरत सकते हैं और आप एक्ने जैसी बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।